मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऊना दौरा, गगरेट में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में की शिरकत, कहा इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक हुए विकास कार्यों के बारे में जनता को दी जा रही जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना के गगरेट में इंदौर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। आगामी विधानसभा चुनावों में सभी कार्यकर्ताओं से फिर से भाजपा को सत्ता में काबिज करने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के बारल में स्थापित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। भाजपा कार्यकर्ताओं से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सभी 17 विधानसभा सीटें जीतने का किया आह्वान। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में गिरी नदी के दोनों ओर तटीयकरण के लिए लगभग 71 करोड़ रुपए की राशि करवाई जाएगी स्वीकृत। 3000 हेक्टेयर भूमि को उपलब्ध होगी सिंचाई सुविधा। प्रदेश के जिला सिरमौर में वन विभाग ने की नई पहल। नाहन में पहली बार की नगर वन नर्सरी की शुरुआत। शहरवासियों को घर द्वार पर उपलब्ध करवाए जा रहे औषधीय पौधे। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने चंबा के कोटी में भाजपा महिला सम्मेलन को किया संबोधित। कहा केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही बेहतरीन कार्य, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही योजनाएं। किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक दिवसीय न्याय तक पहुंच पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। पुलिसकर्मियों व विभिन्न स्टेक होल्डर्स को यातायात नियमों से संबंधित और गिरफ्तारी के दौरान व गिरफ्तारी के उपरांत अपनाए जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में अवगत करवाना था कार्यक्रम का उद्देश्य।